नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अभी हमारे देश में प्रत्येक कोने से हो रही है। सभी जगह पर ये बीमारी जो है देखने को मिल रही है, और इससे अगर हम लोग बचाव करें तो बच सकते हैं। इस बीमारी का नाम है डेंगू फीवर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर एक वायरस द्वारा जनित रोग है जो मच्छरों के काटने से होता है। एडीज एजिप्टियाई नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें ख्याल रखने वाली बात जो है, ये है कि ये मच्छर जो है रात में नहीं काटता है। ये मच्छर सुबह के समय और शाम के समय इसका फीडिंग टाइम होता है, और इसी समय जो है ये मच्छर काटता है, और इसी समय आपको बचना है इस मच्छर के काटने से। डेंगू के लक्षणों के बारे में अगर बताया जाए तो इसमें एकाएक तेज बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, बदन ज्वाइंट और माथा में दर्द, बदन में दर्द, हड्डियों में दर्द और सर में दर्द बहुत तेज रहता है। कभी कभी आँखों के पीछे भी दर्द आता है, उल्टी भी हो सकती है। और ये बुखार कम से कम 3 से 5 दिन तक रहता है। बुखार जाने के बाद जो है शरीर में कमजोरी आना, प्लेटलेट काउंट कम होना, ये सब डेंगू में देखा जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज जो है इसका है, आप जो है ज़्यादा करके पानी पिएं, आप रेस्ट करें और अपना खून का जांच करवाएं अगर इस तरह से कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है तो, और जांच करा के उचित चिकित्सीय परामर्श में रहें जिससे आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बचाव की बात है आप अपने घर में पानी ना जमने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर उसी पानी में अपना जीवन चक्र चलाते हैं, इसलिए अपने घर में पानी ना जमने दें। दूसरी बात है, आप शाम के समय या सुबह के समय जब निकलें तो फुल कपड़े पहन के रखें, जिससे मच्छर का काटने का जो है संभावना कम हो जाए। इस तरह से आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने देश के प्रत्येक कोने में ये बीमारी देखने को मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, और पुनः वीडियो जो है, अच्छे अच्छे वीडियो जो है स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे हम, जिसको आप हमेशा देख सकते हैं।